हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जो बच्चे अभी तक नवोदय का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, वो लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। अगर जो आप क्लास 9th में भी हो या फिर क्लास 11th में हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, क्योंकि जो पिछला वेबसाइट बताया था उस पर एडमिट कार्ड बहुत से बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं। जो बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएंगे कि उन्होंने डाउनलोड कर लिया है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे। नवोदय विद्यालय समिति जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भी एडमिट कार्ड आ गया है, इसको कैसे डाउनलोड करना अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले अगर जो आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी डेली क्लासेस चलती हैं। आप लोग ज्वाइन करके इन सब क्लास को अटेंड करके अपना प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। एक क्लास चलती है 7 बजे, दूसरी क्लास चलती है 5 बजे, और तीसरी क्लास चलती है 6:30 पर। ये तीनों क्लास नवोदय 9th के लिए हैं, और दोनों क्लास इधर दिए गए हैं 7:30 और 8:15, ये नवोदय क्लास 11th वाले विद्यार्थियों के लिए है। या फिर अगर जो आप CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सब खास हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए जान लेते हैं आप लोग की एडमिट कार्ड कैसे अपना डाउनलोड करेंगे। बच्चों का बार बार डिमांड है, बहुत से बच्चे 11 वाले अभी तक तो डाउनलोड ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो 11 वाले हों या फिर 9 वाले हों, दोनों बच्चों के लिए मैं बताने वाला हूँ। सिंपली क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है, उसके अंदर कुछ नहीं करना है, आप लोग टाइप कर दीजिएगा कि ऑल NBS। ठीक है, NBS टाइप करते ही आप लोग इंटर मारेंगे, ठीक है, अपने मोबाइल में सर्च बार पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ लोड लेगा, उसके बाद में एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है नवोदय विद्यालय समिति NBS। ठीक है, इसी पर क्लिक करेंगे आप लोग को नवोदय का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद में आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिखा गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर 9th। ठीक है, जो बच्चे 9th में रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम यहाँ पर दिया गया है 10 फरवरी को इनका एग्जाम है, ठीक है, 2024 में। ठीक है, तो 2024 चल रहा, फरवरी आने ही वाला है। बाकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से तैयारी करिए, कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ दिया गया क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, जो 11th वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। एकदम से जो रेड वाला दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर रेड वाला जो दिया गया है ऊपर, ये 9th वालों के लिए है, नीचे जो दिया गया है 11th वालों के लिए है। ठीक है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या करना रहेगा, आप लोग को यहाँ पर ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है, 9th वाले बच्चे हैं तो 9th में यहाँ पर क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद में क्लिक हेयर डाउनलोड एडमिट कार्ड जो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में सारी डिटेल्स आपको भरनी रहेंगी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। उसके बाद में कैप्चा भर करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो जो बच्चे 11th में हैं, तो 11th वाले क्या करेंगे, यहाँ जो ग्रीन वाला दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में इनके लिए जो सारी डिटेल दिए गए हैं नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर जो आप लोग मॉडल पेपर भी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक हेयर का जो दिया गया सैंपल पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इससे एक प्रकार से आइडिया लग जाएगा कि आप लोग का पेपर पिछली बार किस तरह से आया था, तो इस बार किस तरह आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन प्रिंट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड करना, तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, बहुत से बच्चे जो हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है उनको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, जारी जितनी डिटेल मांगेगा भरने के बाद में। उसके बाद में एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इनको भी रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है। इसके बाद में यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, उसके बाद कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जिसको डाउनलोड करने में दिक्कत है, आप लोग टेलीग्राम पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोग को डाउनलोड करके बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी दिक्कत तकलीफ है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जो बच्चे अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। अब मान सकते हैं 20 फरवरी को एग्जाम है और कितने ही दिन बचे हैं, तो इसके लिए क्या करिए, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ करके तैयारी करिए। ये है टाइम टेबल जिसके अकॉर्डिंग आपकी डेली क्लासेस चलाई जाती हैं। इसके अलावा अगर जो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी चलाया गया है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।